ओके, अभी अपन बात करेंगे 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 सर आपके स्क्रीन पे लगा दिया, ठीक है मेरे भाई, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 लगा है। आप रीड करो, फिर मैं रीड करता हूं, मजा आएगा समझने में, ठीक है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बोल दिया सर? जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना सर, सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3+√3, ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है। 3+√3, ठीक है सर। एंड आप क्या बोल रहे हो मेरे भाई? 2+√2, एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। 3+√3 एंड 2+√3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिमाग लगाएंगे, जो भी दिमाग है उस पर लगाएंगे। ये देखो ए है, ये बी है मान लेता हूं, ये सी है क्योंकि मैच नहीं कर रहा, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चारों टर्म्स अलग अलग हैं, तो कोई आइडेंटिटी हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? बहुत सिंपल वे में आपको सिखा देता हूं। दैट मींस इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेना, जब कोई मैचिंग तो हो नहीं रही, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देना सर, 3×2, ठीक है सर। इसी 3 का मल्टीप्लाई मेरे भाई √2 में करेंगे। यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, तो मेरे भाई प्लस लगा देना। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस लगा लो और 3×√2 कर लो सर। समझ में आया? चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस लगा लेना। √2√3 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब आप √3 में करोगे तो 2√3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में किया तो 3×2, 3 का मल्टीप्लाई √2 में किया तो 3×√2 हो गया। इसी √3 का मल्टीप्लाई मेरे भैया इसमें करेंगे, तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस लगा लो। एंड रूट के अंदर इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, तो रूट के अंदर मेरे भाई 3×2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको और इजी वे में कर देता हूं, इरेज करता हूं, देखो ठीक है। एक सेकेंड डस्टर मैंने, ये रहा ठीक है। देखो अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये देखो मैंने √3 ही पे छोड़ दिया इसे, ठीक है। चलो अगर √3×√2 करें अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फर्स्ट लाइन समझ में आया कि नहीं आया? 3 का मल्टीप्लाई 2 में एक बार, ठीक है, प्लस करके इसी 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना। अगर और भी कोई टर्म होता ना मेरे भाई तो मैं उसका भी उससे करता, मतलब एक टर्म का मल्टीप्लाई उस वाले ब्रैकेट के एक एक लोगों से करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर इस ब्रैकेट का दूसरा टर्म लेंगे एंड इस वाले ब्रैकेट का एक एक लोगों से करेंगे। ये तो दो लोग थे, मतलब दो उधर दो इधर थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां पर एक टर्म और होता तो मेरे भाई इसी का मल्टीप्लाई में उससे भी करता, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। √3×2, ठीक है, √3×2, तो मैंने √3×√2 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, इसको करोगे तो, ये तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, इसको मैं करूंगा तो 2√3, ये भी मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको मैं करूंगा तो √6 हो जाएगा, ठीक है। √3×√2 तो √6 होगा, √2 √√ में है, किसी से कोई सिमिलरिटीज हो नहीं रही है, तो मेरे भाई यहीं पे रोक देंगे। दिस वन इज आंसर। समझ में आया? चलो ये एक्सरसाइज 1.5 का 1 हो गया। चलो उसके बाद सर ये 2 वाला बात करेंगे, 2 वाला नहीं बी वाला बात करेंगे। बी वाले में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी वाले में मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि 3+√3 एंड 3-√3, 3+√3, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3-√3। एक बात समझना कि a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a प्लस बी, ठीक है सर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला जो होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों सेम है, 3 और √3 इसमें भी है, 3 और √3 इसमें भी है। मामला देखना बस, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, डिजिट सेम है। 3 और √3 इसमें भी है, 3 और √3 उसमें भी है, तो कुछ नहीं करना। a प्लस बी एंड a माइनस बी का बस यही सिमिलरिटी है सर। ये तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपने कि a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? दैट मींस अपन क्या ही कर सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो क्या करना मेरे भाई, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तीन का स्क्वायर माइनस रूट तीन का स्क्वायर, क्योंकि इस ये वाला मामला इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला इसको फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यानी कि मुझे समझ में आ गया कि ए के नीचे तीन है, बी के नीचे रूट तीन है, तो मैं लिख सकता हूं कि ए बराबर तीन एंड बी इज इक्वल टू रूट तीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए और बी मैंने पहचान लिया, देखो ए के नीचे तीन और बी के नीचे रूट तीन, बी के नीचे रूट तीन, ए के नीचे तीन, तो मैंने वही लिख दिया। तो मैंने फॉर्मूले में देखा कि ए स्क्वायर है तो तीन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बी के जगह रूट तीन का स्क्वायर। थ्री थ्री जा नाइन होता है, माइनस रूट तीन का रूट तीन में करोगे तो तीन आएगा, नाइन माइनस तीन कर दोगे तो मेरे भाई सिक्स आंसर आ गया, सिक्स आंसर आ गया। चलो हम लोग सी वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या ही बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी आपके स्क्रीन पे लगा पड़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान से देखो मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, दैट मीन सर ये भी एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अपन बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट मीन्स ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सर ए एंड बी क्या है, अपन ने देखा कि ए यहाँ पे रूट फाइव है सर, अपन ने बी देखा, अपन ने बी देखा तो रूट टू है, रूट टू है, दैट मीन्स अपन को ए एंड बी पता चल गया ना, इस फॉर्मूले में पुट करो, ए के जगह पे अपन रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पे रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू। समझ में आया, रूट फाइव का रूट फाइव में मल्टीप्लाई करोगे फाइव हो जाएगा, ये बात आपको पता है मेरे भाई, रूट फाइव का होल स्क्वायर जब करते हैं दैट मीन्स रूट फाइव इंटू रूट फाइव होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट फाइव इंटू फाइव। समझ में आ रहा है, तो दो बार फाइव अंदर है तो एक फाइव निकलता है, ये बात आपको बहुत पहले बताया गया होगा, अगर नहीं तो अगर आपको ये मल्टीप्लाई कर दो तो रूट ट्वेंटी फाइव होगा, और रूट ट्वेंटी फाइव को अपन फाइव लिख सकते हैं। ये चीज़ें पता है कि नहीं पता है, अब ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, है ना, बहुत ईजी है मेरे भाई। समझ में आया, बातों बातों में गाना मुझसे डांस करवा लेते हो फ्री में, है ना, डांस कर देता हूँ मैं आपके लिए। समझ में आया, चलो तो रूट फाइव का होल स्क्वायर सर 5 लिख देंगे एंड रूट टू इंटू रूट टू करेंगे सर तो 2 हो जाएगा, फिर वही सेम कर रहा हूं, है ना, रूट टू इंटू रूट टू दैट मीन्स रूट चार हो गया, और रूट चार को अपन 2 लिख सकते हैं, है ना, अब ये मत बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, बहुत इजी टर्म है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, 2 लिख के रूट फाइव रूट टू का मल्टीप्लाई करना मेरे भैया तो रूट टेन हो जाएगा। सर रूट फाइव रूट टू का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रूट रूट का मल्टीप्लाई करेंगे और फाइव टू सा टेन होगा, रूट एक पे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, इसको ऐड करो तो 7 हो जाएगा, 5 to 7 प्लस 2 रूट टेन, दिस वन इज आंसर, इसके आगे कोई स्टेप नहीं बढ़ रहा, तो 7 प्लस 2 रूट 10 इज द आंसर। समझ में आया, अगर कोई स्टेप में डाउट है ना तो वो भी पूछ लेना, कोई स्टेप में डाउट है ना तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया, चलो अभी अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलना चाहते हैं अपन से, रूट फाइव माइनस रूट टू, ठीक है सर, डी वाला है ना, रूट फाइव माइनस रूट टू एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में रूट फाइव प्लस रूट टू, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो और एक बार चेक करो, ठीक है, फिर उसके बाद देखना सही है कि गलत है, ठीक है, सही है कि रॉन्ग है, एक बार पहले आप कर लिया आपने, वेरी गुड, चलो अब चेक करो, ये मेरे भाई मैंने देखा कि ए माइनस बी है, ठीक है सर, इसको मैंने देखा तो ये ए प्लस बी है, दैट मीन्स एक बात समझ में आया कि ए के नीचे रूट फाइव, ए के नीचे रूट फाइव, बी के नीचे रूट बी, बी के नीचे रूट सॉरी बी के मतलब बी के पास रूट टू है और बी की यहाँ पे रूट टू है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ सिंबल का फर्क है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बात है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन बोलते हैं रूट सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बोलते हैं इन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी।
समझ में आया? चलो अब अपन क्या करेंगे, एक की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, अब ये मत बोलना मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, है ना। v की वैल्यू कितनी है, रूट टू है मेरे भाई, समझ में आ गया। यहां पे मैंने देखा, अब पूछोगे सर ये वैल्यू कहां से लाए, अरे भैया यहीं पे दिख रहा है ये, है ना, यहीं पे दिख रहा है कि a के पास रूट फाइव, b की रूट टू, यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यानी कि ए के जगह पे रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह रूट टू का होल स्क्वायर, है ना। रूट फाइव करेंगे तो फाइव आएगा, रूट टू करोगे तो टू आएगा, दैट मीन्स फाइव माइनस टू तो दिस वन इज थ्री इज द राइट आंसर, थ्री इज द राइट आंसर। तीन आंसर आ रहा है, जिसके तीन आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने नाम बता देना मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अगले वीडियो में आपके नाम लेने की मेरी चाहत है कि आपके अगर तीन आंसर आए थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में प्रयास करना, समझ में आया। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर आपको कैसे पता चला कि यहां पे ए की आपको यही फॉर्मूला लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको कैसे पता चला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगाना है। अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अपने आइडेंटिटी, अपने प्रॉपर्टी, अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये a माइनस b है, ये a प्लस b है, दैट मींस दिस वन इज रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो अपन a और b की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, इजीली आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तीन आंसर आ गया, बहुत लोग क्या कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका इसमें फिर उसका उसमें फिर इसका इसमें तब भी उतना ही आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करके चेक कर लेना उतना ही आंसर आएगा, जैसे मैंने इसमें किया था वो वाला काम अगर इसमें करोगे तो भी आंसर आएगा। इसमें मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे देख रहे हो तीन है या दो है, मैच नहीं कर रहा, रूट तीन है, रूट टू है, मैच नहीं कर रहा, तो अपन मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे तो हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो भी आएगा, बट क्या जरूरत है जब फॉर्मूले से हो रहा है तो, समझ में आया। अगर अभी किसी भी क्वेश्चन में इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, एंड एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा।